हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिसीज मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स। ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिसीज कंट्रोल। सबसे पहले हम जानें कि प्लांट डिसीज क्या है। प्लांट डिसीज ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन जो पौधे को अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाने से रोकती है, उसके परफॉर्मेंस को कम करती है। कोई पौधा किसी एजेंट के कारण, किसी कॉजल एजेंट के कारण लगातार डिस्टर्ब होता है, तो वो डिस्टर्ब कंडीशन भी डिसीज कहलाती है। इस डिस्टर्बेंस के कारण उस पौधे में कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उन लक्षणों के आधार पर वो पौधा अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल फंक्शन या अदर एक्टिविटीज से हटकर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, और वही एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को अपसेट करता है, उसकी ग्रोथ को अपसेट करता है, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को अपसेट करता है, उसकी लाइफ साइकिल को अपसेट करता है, और यही कंडीशन कहलाती है डिसीज। अतः डिसीज का होना एक पौधे के लिए, या बड़े पैमाने पर हम कहें कि उपजों के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत हानिकारक है। हालांकि डिसीज की स्टडी बहुत काफ़ी हो चुकी, काफ़ी उसके ऊपर काम हो चुका, तब कुछ वैज्ञानिकों को इच्छा हुई कि अब इन डिसीज को मैनेज कैसे करें, हम अपने हिसाब से ये डिसीज को कम करें ताकि उसके ऊपर होने वाला नुकसान कम हो। तो हम चलते हैं कि कैसे ये मैनेजमेंट हुआ। मैनेजमेंट का मुख्य कारण था कि हम जो नुकसान होने वाला है डिसीज के कारण, पौधों में जो नुकसान होता है और इनडायरेक्टली ईल्ड और हमारी उपज में नुकसान होता है, उस नुकसान को हमको कम करना है। वेंडर प्लैंक ने एक थ्योरम दिया। उन्होंने कहा कि इक्विवेलेंस होता है, किसी भी जगह डिसीज का होना एक कलेक्टिव मेजर है। उस कलेक्टिव मेजर में होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट तीनों का कलेक्टिव इफेक्ट होता है, और इस कलेक्टिव इफेक्ट में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के कारण डिसीज कम या ज़्यादा हो सकती है। इस चित्र द्वारा हम समझे, इस चित्र में इन तीनों कंपोनेंट्स को दिखाया है। पहला कंपोनेंट यदि हम ले डिजीज का कॉजल एजेंट, जिसको हम कह रहे हैं पैथोजन, पैथोजन की एग्रेसिवनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा कंपोनेंट है होस्ट, पौधा जिसके ऊपर डिसीज होने वाला है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, इस होस्ट को, इस पैथोजन को उसको इन्फेक्ट करने देने की जो क्षमता है, जिसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, वो ससेप्टिबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। और इन दोनों पर असर डालने वाला तीसरा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट कम या ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों पर असर करेगा, और फाइनली ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि डिसीज का अमाउंट क्या होगा। हम देख रहे हैं कि हमको मैनेजमेंट करना है, हमको डिसीज के अमाउंट को कम करना है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इस तरह के सिद्धांत या प्रिंसिपल बनाने हैं ताकि यह डिसीज जो है वो कम हो। एक बार और हम थोड़ा सा समझ लें डिसीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑफन ये कंसंट्रेट किस पर करती है? डिजीज ट्राइंगल पर करती है। इस और चित्र द्वारा हम समझें कि डिजीज का होना या न होना तीन कंपोनेंट्स पर आधारित है। ये तीनों कंपोनेंट्स, होस्ट यदि ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंट है, पैथोजन कैपेबल है या नहीं है, या पैथोजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और इन दोनों के साथ एनवायरनमेंट सूटेबल है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में इन तीनों चीज़ों को स्टडी करेंगे। इन तीनों चीज़ों में हम जब परिवर्तन करेंगे और उस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हमारा जो डिजीज़ का आउटब्रेक है, डिजीज़ का जो आउटकम है, वो मिनिमाइज हो या एब्सेंट हो जाए। डिजीज साइकिल कैसी होती है, उनके अलग अलग स्टेप्स भी देख लें ताकि हमको मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाने में आसानी होगी। हम जानते हैं कि डिजीज कहाँ से शुरू होती है? इनोक्यूलेशन से। कोई प्रोपोग्यूल पहली बार किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। अलग अलग तरीके से कोई प्रोपोग्यूल, कोई स्पोर या कोई कुनीडिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है और डिजीज की स्टार्टिंग होती है। वो इन्फेक्शन के दौरान अपने आप को होस्ट के शरीर के अंदर, पौधे के अंदर प्रवेशित करता है, वो कहलाती है पेनिट्रेशन। प्रवेश करने के बाद वो अलग अलग बैरियर्स को फेस करता हुआ सक्सेसफुल
होस्ट के शरीर के अंदर या ऊपर एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है, उस तरह से वो होस्ट के साथ में एसोसिएशन करता है और ये एसोसिएशन कहलाता है इन्फेक्शन। हालांकि ये एसोसिएशन बेनिफिशियल है, नहीं बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन। ये डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई, अब पौधा जो है वो इन्फेक्शन ले चुका है, इन्फेक्शन उसके अंदर एंटर कर चुका है, पैथोजन उसके अंदर एंटर कर चुका है और वो पौधा सिम्टम्स दिखाने लगता है, लक्षण दिखाने लगता है और उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम किसी हेल्दी प्लांट को और डिजीज प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि डिजीज के कारण प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ कम हो जाती है, उसकी उपज में कमी होती है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कमी होती है और उन्हीं कमी के आधार पर हम पौधे को डिसीज या नॉन डिसीज प्लांट के रूप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इस डिसीज कंडीशन डेवलप करने के बाद जो पैथोजन है वो उस होस्ट के साथ साथ मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और रिप्रोडक्शन करके अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, उसको हम कहेंगे पैथोजन का रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल्स जो है वो अलग अलग माध्यम से डिस्पर्स करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक जगह से दूसरे जगह में ये प्रोपोग्यूल्स जो है वो स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होने के बाद कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आने के बाद वो मिट्टी में या अलग अलग स्थानों पर सर्वाइव भी कर सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं ताकि फिर से वो नया इन्फेक्शन कॉज कर सके, नया इनोकुलेशन कर सके। तो ये पूरी घटना जो है एक साइक्लिक घटना है जो अलग अलग तरह के पैथोजेंस में अलग अलग हो सकती है, पर कमोबेश ये स्थिति इसी तरह की रहती है और इसको हम कहते हैं डिजीज साइकिल। इस पूरे डिजीज साइकिल में ये जो दो स्थितियां हैं ये होस्ट की इंडिपेंडेंट स्थितियां, होस्ट के बाहर डिस्पर्सल होता है, होस्ट के बाहर या तो एयर में या वाटर में या सॉइल में पैथोजन सर्वाइव करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर स्टेप के बीच बीच में हमको कहीं कहीं लूप होल्स मिल रहे हैं, कहीं कहीं हमको खाली जगह मिल रही है और वही जगह है जहाँ पर हम मैनेजमेंट करेंगे, वही जगह है जहाँ पर हम डिजीज को रोकने के लिए इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। अब हम जान रहे हैं कि हमको साइकिल को ब्रेक करने के लिए बीच बीच में अलग अलग स्टेप्स के बीच में खाली जगह मिल रही है, ये जगह हमको समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तरह के डिसीज में ये जगह छोटी या बड़ी, कम या ज़्यादा समय के लिए हो सकती है। तो हमको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, प्रैक्टिस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट वेरी करता है अलग अलग पौधे के लिए, अलग अलग पैथोजन के लिए, अलग अलग डिजीज के लिए मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज जो है वो अलग हो सकती है, जैसे कि टाइप ऑफ पैथोजन, टाइप ऑफ होस्ट और उसके अलावा कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो उस डिजीज को होने के लिए फेवरेबल होते हैं। उसके अलावा हमने थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ी है जिसको हम कह रहे हैं इटियोलॉजी, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस और एपिडियोमोलॉजी, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमको इनकी भी जानकारी होना जरूरी है। किस तरह के सिम्टम्स को हम अर्ली सिम्टम्स कहेंगे, कब हम डिजीज़ को सीवियर कहेंगे, कब हम डिजीज़ को ऑनसेट कंडीशन कहेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। पैथोजेनेसिस, किस रास्ते से पैथोजन अपने होस्ट के अंदर एंटर कर रहा है वो रास्ता हमको मालूम होना चाहिए। और कंप्लीट डिजीज साइकिल, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि कंप्लीट डिजीज साइकिल में जगह जगह पर कुछ पॉज होते हैं, लूप्स होते हैं, उन लूप्स को हमको ध्यान देना है कि वो यदि छोटे लूप्स हैं और या वो बड़े लूप्स हैं तो हम उन जगहों को कैसे मैनेज करें और ओवरऑल हम पूरी डिजीज को मैनेज करें ताकि हमारा जो होने वाला लॉस है वो कम किया जा सके। ह्यूमन और एनिमल डिजीज के मैनेजमेंट से ये थोड़ा सा हट कर होता है, ये जो हमारी प्लांट डिजीज कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी सी हट के होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन और एनिमल डिजीजेस में इन स्ट्रैटेजीज में वन टू वन अटेंशन होता है, एक एक ह्यूमंस को या एनिमल को अटेंड किया जाता है, जबकि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कलेक्टिव होती हैं, पॉपुलेशन पर होती है, पूरे पौधों पर, बड़े पैमाने पर, एक बड़े क्रॉप फील्ड में होने वाले डिजीजेस को। तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी उनमें हम ध्यान रखेंगे कि हम वन टू वन प्लांट को कंसिडर ना करके हम एक बड़े पैमाने पे कलेक्टिव या पॉपुलेशन लेवल पर पौधों को ट्रीट करेंगे। सो कमिंग टू द एक्चुअल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, हमको क्या बात में ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि डिजीज साइकिल कैसी है और कब डिजीज सीवियरिटी पे पहुंचेगी,
और डिजीज कैसे बढ़ती है, ओवर स्पेस, ओवर सीवियरिटी, ओवर टाइम, वो डिजीज़ का बढ़त कैसे होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के डिजीज़ में, अलग अलग तरह के पौधे में और अलग अलग तरह के पैथोजेनिक इंटरैक्शंस में डिजीज़ का फैलाव कैसा होता है, इन दो बातों को हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है। उसके पहले हम थोड़ा सा और जान लें कि डिजीज़ जो है वो तीन तरह के साइकिल्स में भी डिवाइड की जा सकती है। पहली साइकिल होती है मोनोसाइक्लिक, जिसमें कि सिंगल साइकिल होता है, इसको हम डिजीज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी इनोक्युलम है वो केवल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और उसके अलावा किसी भी तरह का सेकेंडरी इनोक्युलम नहीं पाया जाता। एक बार यदि कोई पौधा इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी लाइफ में वो इन्फेक्शन उतना ही रहेगा, वो आसपास के दूसरे पौधों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। तो हमारे लिए इस तरह के डिजीज मैनेजमेंट में आसानी होगी कि वो उस अकेले पौधों को सिम्टम्स के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर पहचाने और उस अकेले पौधे को यदि पूरे पॉपुलेशन से हटा दे तो हम उस डिजीज को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो मोनोसाइक्लिक डिजीज जो रहती है वो मैनेज करने में बहुत आसान होती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है वर्टिसीलियम की विल्ट और सीरियल का सिस्ट निमेटोड्स, निमेटोड्स द्वारा होने वाले सिस्ट डिसीज जो अनाजों में होते हैं, सीरियल्स में होते हैं। दूसरी तरह का डिजीज साइकिल है, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज साइकिल, जिसमें कि मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, एक साल में बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होती है। इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज भी कहेंगे। इसमें जो पैथोजन के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यदि एक पौधे में इन्फेक्शन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उस पौधे में सिम्टम्स डेवलप हुए और डिजीज डेवलपमेंट के बाद पैथोजन जो है एसेक्सुअली मोड से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके जो कोनिडिया या स्पोर्स हैं वो आसपास के डिस्पर्सल मीडियम से दूसरे पौधों में पहुंच जाएंगे और वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इस तरह से डिजीज जो है वो तेजी से एक पौधे से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पौधे में बढ़ सकती है। इसीलिए इसको हमने कहा डिजीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें डिजीज की सीवियरिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डाउनी मिल्ड्यूज, पाउडरी मिल्ड्यूज, लेट ब्लाइट पोटैटो, लीफ स्पॉट डिसीज, ब्लाइट्स, ग्रेन रस्ट, एफिड बॉर्न वायरल डिजीजेस और रूट नॉट निमेटोडल डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल्स। तीसरी तरह की डिजीजेस हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीएटिक डिजीज। ये मल्टी ईयर साइकिल्स रहते हैं। इस तरह के डिजीजेस में एक पैथोजन जो है वो अपने आप को मैच्योरिटी के लिए काफ़ी समय देता है, बहुत साल उसको मैच्योर होने में लगते हैं और उसके बाद जाकर वो नए इन्फेक्शंस कॉज करता है। कभी साल दर साल वो अपने आप को सर्वाइव करता है, पेरिनेट करता है और सूटेबल होस्ट मिलने पर, सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही वो इन्फेक्शंस कॉज करता है, तो ऐसे डिसीज कहलाते हैं पॉलीएटिक डिसीजेस या मल्टी ईयर डिसीजेस। इसके एग्जाम्पल्स हैं डच एल्म डिसीज, पियर डिक्लाइन डिसीज, फंगल वैस्कुलर विल्ट्स, माइकोप्लाज्मा येलो और वायरल इन्फेक्शंस। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं तीन तरह के डिजीज साइकिल्स के, जिसमें मैंने बताया मोनोसाइक्लिक डिजीजेस जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट डिसीज एक पौधे पर तक सीमित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैनेज करने के लिए आवश्यकता है पॉलीसाइक्लिक डिजीज, जिसमें कि एक्सपोनेंशियली डिजीज जो है वो बढ़ता है, और तीसरे तरह के डिजीज जो है वो पॉलीएटिक डिजीज। तो हम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स के तीन मुख्य आधार बनाएंगे। इन तीन आधारों को हम कैसे समझाएं? पहला आधार है रिडक्शन इन द इनिशियल इनोक्युलम और रेट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। हम प्राइमरी इनोक्युलम को रिड्यूस करें ताकि रोग जो है वो सीवियरिटी तक ना पहुंचे या डिजीज डेवलपमेंट को रोकें। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पैथोजन पॉपुलेशन बाय रिड्यूसिंग डिफेंस और मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट। पैथोजन को कम कैसे करें? एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके। यहाँ हमने पैथोजन को रिड्यूस किया था, यहाँ हमने पैथोजन को एनवायरनमेंट से रोका था, एनवायरनमेंटल कंडीशंस इस तरह से रखी कि पैथोजन जो है वो कम हो जाए। और इरप्शन ऑफ डिस्पर्सल, सर्वाइवल और फर्दर डिजीज डेवलपमेंट। एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में, एक स्थान से दूसरे स्थान में डिजीज के डेवलपमेंट को, डिजीज के डिस्पर्सल को हम रोकें। तो ये तीन हमारी मेन स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इन स्ट्रैटेजीज का बेस्ड हम डिजीज को मैनेज करेंगे।
इन स्ट्रैटेजीज में दो चीजों को भी हमको ध्यान रखना है। पहला होगा स्ट्रैटेजीज बिफोर द पैथोजन इज प्रेजेंट, पैथोजन को आने से ही रोकना है। पैथोजन किसी कारण से कम हो जाए, किसी कारण से उस स्थान से हट जाए, किसी कारण से होस्ट के लिए सूटेबल ना हो, किसी कारण से एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो, इन सारे कारणों से इन्फेक्शन से पहले ही पैथोजन को रोक लेना है। और दूसरी स्ट्रैटेजीज हमारी रहेंगी कि यदि इन्फेक्शन हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। प्रोड्यूसेस वंस पैथोजन बिकम एस्टैब्लिश, डिजीज हो गया है पर उसको उसकी सीवियरिटी लेवल पर या उसके मल्टीपल स्प्रेड लेवल पर न जाने देने के लिए उसको रोकना है। तो बिफोर इन्फेक्शन हम डिजीज को रोकें या आफ्टर इन्फेक्शन हम डिजीज को मैनेज करें। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। हमारे पास छह प्रिंसिपल्स हैं, छह सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम प्लांट डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये छह प्रिंसिपल्स हैं अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इराडिकेशन, प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन एंड थेरेपी। अब इन छह प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। पहला था डिजीज अवॉइडेंस, हम रोग को अवॉइड करें, उसको रोकें। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग डिजीज बाय प्लांटिंग एट टाइम व्हेन और इन एरियाज वेयर इनोक्युलम इज एब्सेंट और इन इफेक्टिव ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। हम अपनी खेतों में उस समय पौधों को लगाएं जब वो पैथोजन वहां पर अनुपस्थित हो, उस स्थानों पर लगाएं या उन जगहों पर लगाएं जहां पर पैथोजन नहीं पहुंच पाया है। इस तरह के सिद्धांत का जो एम है उसके पीछे कि हम होस्ट को पैथोजन तक ना पहुंचने दें, या जस्ट उल्टा मैं कहूं कि पैथोजन को होस्ट तक ना पहुंचने दें, उनके बीच ऐसी दूरी बना दे, उस दूरी को हम कहेंगे अवॉइडेंस, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आने पाए। इस अवॉइडेंस के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? हमको चुनना पड़ेगा चॉइस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसा एरिया जहां पर उस डिसीज का रिपोर्ट नहीं है वहां पर हम अपनी उपज लें। सिलेक्शन ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम, हम इस तरह के फील्ड्स को सेलेक्ट करें जहां पर पैथोजन की रिपोर्टिंग नहीं है। सोइंग हम इस तरह से करें, कहीं डीप सोइंग कर रहे हैं, कहीं अर्ली सोइंग कर रहे हैं, टाइम हम इस तरह से ले रहे हैं कि वेराइटीज जो हैं वो या तो अर्ली वेराइटीज लगा रहे हैं या लेट वेराइटीज लगा रहे हैं ताकि सीजन जो है वो पैथोजन के लिए अनफेवरेबल हो जाए। तो ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन स्थानों पर जहाँ पर पैथोजन की रिपोर्टिंग नहीं है, ऐसी सोइंग मेथड जहाँ पर पैथोजन ना पहुँच पाता हो और ऐसा समय जहाँ पर पैथोजन जो है वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होस्ट के कांटेक्ट में ना आ सके। तीसरी चीज हम कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। हम डिजीज फ्री सीड्स को, सर्टिफाइड सीड्स को या प्लांटिंग मटेरियल को यूज करें ताकि हमको पहले से पता हो कि हमारे सीड जो है वो इनिशियली सीड बॉर्न पैथोजेंस के साथ ना आए हों। यूज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज, कुछ वेराइटीज जो है हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करी हैं जो जल्दी से उपज करती हैं, जल्दी से वो फसल पकती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज या इस तरह की डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज भी हैं जिसको कि हम लगाएं ताकि पैथोजन उनके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। और एक और हम काम कर सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो खेती की विधियां हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उनमें कुछ बदलाव करें ताकि होस्ट और पैथोजन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आ सके। हमारा इस पहले प्रिंसिपल का मेन एम यही था कि हम पैथोजन और होस्ट को अपने कांटेक्ट में आने से रोकें। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी जो जो एक्टिविटी रिपोर्ट की गई थी। इन एग्जांपल्स में देखिए, पोटैटो कल्टीवेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम वायरसेस। जो पहाड़ों में आलू बोए जाते हैं वहां पर देखा गया कि वायरसेस से उनमें इन्फेक्शन नहीं होता, एज प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस डू नॉट परमिट द बिल्डअप वैक्टर पॉपुलेशन। वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो वैक्टर्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो हाई अल्टीट्यूड्स में टेम्परेचर और उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उन वैक्टर्स को वो परमिट नहीं करता, वो प्रोपोगेट नहीं करता, और वैक्टर्स नहीं होंगे तो वायरस का स्प्रेड नहीं होगा, और इसलिए देखा गया कि उन जगहों पर पोटैटो कल्टिवेशन बहुत सेफली हो जाता है।
अर्ली प्लांटिंग ऑफ पोटैटो वीट इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि गेहूं की फसल, आलू की फसल यदि जल्दी बो दी जाए अपने सीजन से पहले तो वो लेट ब्लाइट से, स्टेम रस्ट से बच जाएगी। उसी तरह से बीन एंथ्रोकोनास जो है वो वेट एरियाज में, जो जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, उस एरिया में बहुत कॉमन देखा गया। तो कोशिश की गई थी कि एरिड जोन्स में, ड्राई जोन्स में हम बीन का प्लांटेशन करें ताकि एंथ्रोकोनास से हम बच सकें। एक और एग्जांपल है स्मर्ट अर्गट, जो सीरियल्स में होता है, बहुत सीरियस डिजीज है, वेयर रेनफॉल ऑकर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग ऑफ द क्रॉप। ये बारिश के समय ये डिजीज़ जो है वो सीरियस हो जाता है। तो उन जगहों में या उन समय में जब बारिश पूरी हो चुकी है या बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके पहले यदि फ्लावरिंग हो जाए तो स्मट और अर्गट से बचा जा सकता है। फिर डी वीडिंग ऑफ सम ऑफ द अर्ली अपीयरिंग वीड सपोर्टिंग एफिड टू फीड्स। देखा गया कि खेतों में जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होती हैं, वो एफिड्स को भोजन प्रदान करती हैं, उनके फूलों पर, उनके रस पर एफिड्स जो हैं वो फीड होते हैं, और यही एफिड्स जो होते हैं वो वायरस के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो खेतों में जो खरपतवार है उनको बार बार हटाते रहने से भी एफिड्स की फीडिंग नहीं होगी। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है एक्सक्लूजन ऑफ डिसीज। इट मीन्स प्रिवेंटिंग द एंट्रेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन टू अनइन्फेक्टेड क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। हम रोकेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन को रोक रहे हैं। पहले वाले मेथड में हमने किया था, अवॉइड किया था, ऐसी परिस्थितियां देखी थी जहां पर होस्ट और पैथोजन एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली पैथोजन को आने से रोक रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन प्रैक्टिसेस जो है एक्सक्लूजन की, सीड सर्टिफिकेशन, जिसमें कि सर्टिफाइड सीड का हम यूज़ करें, सीड जो है सर्टिफाइड हो, प्री इन्फेक्टेड या प्री इन्फेस्टेड ना हो। क्रॉप इंस्पेक्शन और ट्रीटमेंट, क्रॉप को हम बार बार देखें, ध्यान दें, यदि मोनोसाइक्लिक क्रॉप है तो हम उस इन्फेक्टेड पौधे को वहाँ से हटा दें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैला पाए या उसके प्रोपेग्यूल्स जो है वो सॉइल में ना पड़े हों। इराडिकेशन ऑफ इनोकुलम्स एंड इंसेक्ट वैक्टर्स, ऐसी कोशिश करें कि इंसेक्ट वैक्टर्स जो है वो क्रॉप के पास ना पहुंच पाए और इनोक्युलम जो है वो इरेडिकेट हो जाए, पैथोजन जो है वो वहां से हट जाए। क्वारंटाइन मेजर्स, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर जारी होते हैं, उन मेजर्स का उपयोग किया जाए ताकि इन्फेक्टेड सीड्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुँच पाए, और इस मेजर को हम कहते हैं रेगुलेटरी प्लांट पैथोलॉजी। इसके एग्जांपल्स हम देखें कि इस मेथड से हमने कब कब किस किस तरह के रोगों का बचाव किया था। वर्टिसिलियम इन्फेक्शंस जो हैं उनका, और निमेटोड्स का इन्फेक्शन और कुछ और सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस को हम इस विधि से बहुत आसानी से रोक सकते हैं। हम उस इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग, उस जगह की सॉइल का सैनिटेशन करके ध्यान देकर, ध्यान इस तरह की चीज़ें, इस तरह की परिस्थितियां रख सकते हैं कि वर्टिसिलियम, निमेटोड्स और अदर सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना पहुंच पाए। रिकमेंडेशन फॉर कंट्रोल ऑफ डिसीज थ्रू सम काइंड ऑफ क्लीन सीड प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सब जगह का एक क्लीन सीड प्रोग्राम है जिसमें कि बीजों को सर्टिफाई किया जाता है। इस तरह इस विधियों में स्यूडोमोनास फेसुलोका डिजीज जो है, जो कॉजल एजेंट है हेलोब्राइट डिजीज का, ज़ैंथोमोनास फेसुलाई है जो ब्लाइट पैथोजन है, और कोलिटोट्राइकम की जो स्पीशीज है वो फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर एंथ्रोकोनास। तो सर्टिफाइड क्लीन सीड प्रोग्राम के अंतर्गत इन तीन रोगों की जो है वो बड़े पैमाने पर रोकथाम की गई है। तीसरी प्रिंसिपल है हमारी इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, इरेडिकेश करना है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, इनएक्टिवेटिंग, एलिमिनेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द इनोक्युलम डिसीज। हम जान रहे हैं कि किसी कारण से हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे डिजीज की सीवियरिटी को, कम करने की कोशिश करेंगे, इनोक्युलम को इनएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, या उस जगह से उस इनोक्युलम को हटाने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा पौधा, हमारा जो प्लांट है वो डिसीज से बच जाए। इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट। कुछ पौधे जो हैं वो कुछ थोड़े समय के लिए इन्फेक्शन लेते हैं, इन्फेक्शन उसमें होता है और जो पौधा, उसका जो पैथोजन है वो अल्टरनेट होस्ट देख लेता है। जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जो होती हैं उनमें इस तरह के डिजीज देखी गई हैं कि जब
पौधा हेल्दी है और काफ़ी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस में है, तब उसमें इन्फेक्शन लगता है और उसकी डेथ के बाद, पौधे के नष्ट होने के बाद, जो पैथोजन है वो अपने सर्वाइवल स्पोर या रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में मिट्टी में सर्वाइव करता है, और उसी दौरान वो किसी दूसरे अल्टरनेट होस्ट या कोलेटरल होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी करता है। तो ऐसे अल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट को हमको हटाना है वैसिनिटी से, ताकि हम पैथोजन के सर्वाइवल की चेन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते, उसकी उसकी साइकिल को, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम ब्रेक करें। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रॉप रोटेशंस की। बार बार एक जगह पर एक ही तरह की क्रॉप ना लगाकर हम रोटेशन मोड में लगाएं, तो एक साल हमको क्रॉप मिलेगी और अगले साल क्या होगा, वो क्रॉप नहीं होगी, तो पैथोजन के लिए सूटेबल होस्ट नहीं होगा और कुछ हद तक पैथोजन जो है वहाँ से इनएक्टिवेट हो जाएगा और ग्रेजुअली वो वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। एक और मेथड हम कर सकते हैं, फील्ड सैनिटेशन, फील्ड की साफ सफाई हम रखें, और कुछ प्रैक्टिसेस इसके लिए बताई गई हैं जिसके जिसके कारण हम फील्ड की साफ सफाई, उसको उसमें से पैथोजन के इनएक्टिवेशन के मेजर्स लेंगे। हीट और केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल और सॉइल, हम जनरली जो बल्ब वैरायटी वाले प्लांट्स होते हैं उसमें हम उनको सुखा कर या कुछ केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं बिफोर सोइंग और ड्यूरिंग स्टोरेज उसको हम करें, या सॉइल को हीट से फ्यूमिगेट करें, केमिकल से फ्यूमिगेट करें, तो हम कुछ हद तक पैथोजन के जो प्रोपोक्यूल्स हैं उनको रिड्यूस या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं, उस सजेशंस के दौरान हम बायोलॉजिकली एक पैथोजन के प्रेजेंस से दूसरे पैथोजन को हम इरेडिकेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इरेडिकेशन ऑफ गोल्डन निमेटोड बाय रिमूविंग इन्फेस्टेड सॉइल, फ्यूमिगेटिंग सॉइल इन इन्फेस्टेड फील्ड एंड इवेंचुअली एबंडोनिंग द इन्फेक्टेड पोटैटो फील्ड्स फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट्स एंड अदर यूज। कुछ जगहों पर ये काम किया गया था कि लगातार गोल्डन निमेटोड्स का इन्फेक्शन था, तो उस गोल्डन निमेटोड को इरेडिकेट करने के लिए क्या किया गया, उस इन्फेस्टेड सॉइल को वहां से हटा दिया गया या उसको फ्यूमिगेट किया गया, या उस क्रॉपिंग फील्ड को जो थी उसको पूरी तरह से हाउसिंग डेवलपमेंट या दूसरे यूज के लिए उपयोग में लाया गया, जिससे कि उस जगह के निमेटोड्स की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हुई और निमेटोड्स टोटली इराडिकेट हुए। सिट्रस कैंकर का इराडिकेशन किया गया था कुछ स्थानों पर, जिसमें कि सिट्रस से इन्फेक्टेड, कैंकर से इन्फेस्टेड जो प्लांट्स थे उनको वहां से पूरी तरह रिमूव कर दिया गया, उनको बरी कर दिया गया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जो नर्सरीज और ऐसी जगह थी जहाँ सिट्रस के पौधे बहुत बड़े पैमाने पे लगते थे उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। फिर और एक एग्जाम्पल बताया गया जिसमें कि एप्पल और पियर की ब्रांचेस रिमूव कर दी गई, जहाँ पर फायर ब्लाइट डिसीज जो इरविनिया के कारण होता है उसको, उन पर्टिकुलर ब्रांचेस को मुख्य पौधे से अलग कर दिया गया। फिर ब्लिस्टर रस्ट डिसीज से जो इन्फेक्टेड ब्रांचेस थी उनकी प्रूनिंग कर दी गई, प्लांट की कटाई कर दी जाती है जिससे कि ब्लिस्टर रोग जो है वो बाकी पौधे पे, बाकी बाकी ट्री पे ना फैले। हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट ऑफ सीरियल सीड्स, अनाजों में देखा गया कि यदि हम बोने से पहले उनकी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें तो स्मट के माइसीलियम जो है वो, लूज स्मट या कवर्ड स्मट के माइसीलियम जो है कुछ हद तक डिस्ट्रॉय होते हैं। वायरल डिसीजेस के कंट्रोल के लिए भी कुछ जगह पर हीट ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट किया गया। गैस फॉर्मिंग केमिकल्स, वोलेटाइल केमिकल्स या वाटर सॉल्युबल केमिकल्स से सॉइल का फ्यूमिगेशन भी कुछ जगह सजेस्ट किया गया, जिसके कारण कि हम डिजीज को इरेडिकेट कर सकते हैं। इनमें कुछ केमिकल्स के नाम मैंने यहाँ बताए हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, मेथिल ब्रोमाइड या क्लोरोपिक्रीन जो है उनको सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और पैथोजन्स को इरेडिकेट करने के लिए भी उनको यूज़ किया जाता है। चौथी मेथड है प्रोटेक्शन, चौथा प्रिंसिपल है, चौथा सिद्धांत है, हम पौधे को प्रोटेक्ट करें, हमारे होस्ट को प्रोटेक्ट करें। प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन एंड इरेडिकेशन मे नॉट बी सफिशियंट। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते डिसीज को, पैथोजन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, पैथोजन को इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको क्या करना है, पौधे को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा उस समय होता है जहाँ पर हमारा डिसीज जो है वो
पॉलीसाइक्लिक हो, एक पौधे से दूसरे पौधे में एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, बहुत मैकेनिकल रीजन, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू डिजीज़ जो है वो फास्ट बढ़ती है, और उस फास्ट स्प्रेडिंग जो इन्फेक्शस प्रोपोग्यूल्स हैं उनको हम अवॉइड, एक्सक्लूड या इराडिकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको एक चौथा सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, वो चौथा सिद्धांत है डिजीज़ का, होस्ट का प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम पौधे और पैथोजन के बीच एक टॉक्सिक बैरियर बनाएंगे, एक उनके बीच में एक बैरियर बनाएंगे, इस तरह का आवरण देंगे। वो आवरण कैसा होगा, पैथोजन के लिए टॉक्सिक होगा, ताकि पैथोजन जो है वो डिजीज़ को सक्सेसफुली क्रिएट ना कर पाए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, केमिकल स्प्रे और डस्ट का उपयोग कर सकते हैं, पौधे को पहले से प्रोटेक्ट करके रखा, ताकि पैथोजन का जो इनोक्युलम है वो या तो एंटर ही ना कर पाए, या एंटर करने के बाद वो डिजीज़ को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। हम दूसरा काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि पैथोजन को डिजीज़ कॉज करने के लिए है, मॉइस्चर की ज़रूरत है, या वेटनेस की ज़रूरत है, डैम्पनेस की ज़रूरत है, पौधे की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, पौधा सीडलिंग कंडीशन में है या मेच्योरिटी कंडीशन में है, इन सारे चीज़ों के भी हम ध्यान रख सकते हैं। और तीसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन, पौधे की न्यूट्रिशनल स्टेटस, यदि पौधा न्यूट्रिशनली काफ़ी हेल्दी है तो वो खुद हद तक अपने खुद के बैरियर्स के थ्रू, अपने खुद के डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, और उस पूरे चीज़ से डिजीज इंसिडेंस जो है वो थोड़ा सा लोअर होगा या एब्सेंट होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बनाना आर कवर्ड विथ प्लास्टिक स्लीव्स एज सून एज द फ्रूट आर सेट टू प्रोटेक्ट द फूड बॉर्न वेरियस पेट्स इंक्लूडिंग फ्रूट डिके फंजाई। कुछ जगहों पर ये प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर केले की खेती बड़े पैमाने पे होती है तो जैसे ही फ्रूट सेटिंग शुरू होता है प्लास्टिक के कवर्स से उनको ढांक दिया जाता है, जिससे कि कुछ फंगल इन्फेक्शंस या दूसरे इंसेक्ट पेस्ट से उनको नुकसान ना हो। यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टमिक फंजीसाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ सम डिजीजेस लाइक डाउनी मिल्ड्यूज, रस्ट, स्मर्ट्स और पाउडरी मिल्ड्यूज, क्योंकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इससे हमको पौधों को बचाना है तो उसके लिए हम प्लांट्स को फंजीसाइड्स से ट्रीट कर लेंगे, पहले से ही उनके ऊपर फंजीसाइड्स का स्प्रे करेंगे। इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू फंगस, पिनोफोरा जाइगेंटिका जो है ये प्रिवेंट करता है पौधों को वुडी डिके फंगस से। हेट्रोबेसीडियम एक फंगस है जिससे वुडी का डिके, वुड डिके होता है, उसको हम पिनोफोरा से रोक सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये नॉन पैथोजेनिक है पर ये अपने जैसे दूसरे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से अपने आप को रोकता है, बैक्टीरिया के दूसरे इन्फेक्शन से रोकता है। पांचवा प्रिंसिपल है होस्ट रेजिस्टेंस या इम्यूनाइजेशन, इसको अर्लियर नाम दिया गया था इम्यूनाइजेशन, बाद में इसको हम नए नाम से जानते हैं, दैट इज होस्ट रेजिस्टेंस। ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है होस्ट टू रेजिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ पैथोजन। होस्ट के पास इस तरह का पावर, इस तरह की कैपेसिटी कि वो पैथोजन को रोके। द इन्फेक्शन और सब्सिक्वेंट डैमेज बाय पैथोजन कैन बी रिड्यूस थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये जेनेटिक मैनिपुलेशन से भी लाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी ब्रीडिंग मैथड्स सजेस्ट की गई हैं और उस ब्रीडिंग मैथड से परमानेंटली होस्ट में डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं देखिए, द मेन प्रैक्टिस अंडर दिस आर क्लासिकल ब्रीडिंग टेक्निक जैसे कि इन वीवो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं, सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, या बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से, टिश्यू कल्चर मेथड से, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मेथड से जेनेटिकली रेजिस्टेंट होस्ट की वेराइटीज़ तैयार की जाती है। यह मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, टिश्यू कल्चर मेथड मोस्टली वायरल डिसीज़ के मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। ये देखा गया कि प्लांट्स की जो एपिकल टिश्यूज हैं वो वायरल इन्फेक्शन से फ्री होती हैं, तो टिश्यू कल्चर मेथड से जब हम एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स को या एपिकल सेल्स को यूज करके प्लांटलेट्स बनाते हैं तो वो वायरस से फ्री होती हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल अगेंस्ट द स्पेशलाइज प्रोसीडेंट, जैसे कि रस्ट फंजाई है, स्मर्ट फंजाई है, पाउडरी मिल्ड्यू है और वायरसेस है, इनके लिए परमानेंट रेजिस्टेंस डेवलप किया गया, चाहे ब्रीडिंग मेथड से किया गया या आर्टिफिशियल मेथड जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार किए गए,
एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू और बेसिलस थुरिंजिनेसिस के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड तैयार किए गए, जिसमें कि बहुत सारी बीटी वेराइटीज़ जो हम जानते हैं, वो बीटी वेराइटीज़ जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। अंतिम सिद्धांत जिसमें हम आ रहे हैं, थेरेपी। ये सिद्धांत पिछले 5 सिद्धांतों से थोड़ा अलग, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद उपयोग में लाता है। ये अप्लाई तब होता है जब पौधे में इन्फेक्शन हो गया है। ओनली प्रैक्टिस अप्लाई टू द प्लांट्स आफ्टर इन्फेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। हमने स्ट्रैटेजीज देखी थी, वहां पर हमने दो बातें ध्यान दी थी कि यदि हम इन्फेक्शन को रोके, डिजीज को होने से ही रोके, उसके प्रिंसिपल, और डिजीज होने के बाद पौधे में उसका प्रसार जो है वो कम करें, या डिजीज को हम क्योर करें, पौधे को हम ठीक करें। थेरेपी इज अ क्यूरेटिव प्रोसीजर एंड इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल प्लांट्स। ये बात ध्यान होती है कि थेरेपी जो है हम इंडिविजुअल प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह की थेरेपी है। पहली है कीमोथेरेपी, यूज ऑफ केमिकल्स टू इनएक्टिवेट द पैथोजन। इस तरह से हम यूज करेंगे जिसमें कि पैथोजन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। या थर्मोथेरेपी, द एक्सपोजर ऑफ डिजीज प्लांट और पार्ट्स ऑफ देम टू हॉट वाटर, हाई टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ताकि डिजीज जो है वो कम हो, पैथोजन जो है वो इनएक्टिवेट हो। इसके एग्जांपल्स देखिए, लूज मट ऑफ वीट इज कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द सीड्स विद हॉट वाटर। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हैज बीन यूज्ड टू किल नेमेटोड्स इन बल्ब्स, कॉर्म, ट्यूबर्स एंड फ्लैशी रूट्स। ऐसी जगहों पर हम बल्ब्स को समर सीजन में या पूरी एक सीजन भर हॉट वाटर से ट्रीट करके, फिर गर्मी में उसको धूप में सुखा कर, और उसके बाद उनको बोते हैं ताकि निमेटोड्स के जो रेस्टिंग बॉडीज हैं वो वहाँ से किल हो जाएं। क्रिसेंथेमम के जो ब्रांचेस हैं, जो स्टूल्स हैं, उनको हम फॉलियर निमेटोड्स से हटाने के लिए उनको 44 डिग्री टेम्परेचर में आधे घंटे तक डुबा के रखें, और उसके बाद उनको बोने के लिए उपयोग में लाएं, तो कुछ हद तक डिजीज से बच सकते हैं, या निमेटोड इन्फेक्शन से पौधे जो है वो बच जाते हैं। फाइनली हम कंक्लूड करें कि हमने जो डिजीज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज या प्रिंसिपल्स देखे थे, वो इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल कंट्रोल, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल, इस तरह की परिस्थितियां हम निर्माण करें कि पौधा और उसका पैथोजन जो है वो कांटेक्ट में ना आए। मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड माइक्रोबायोटा, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपटीशन करवाएं, ताकि हमारा पैथोजन जो है उसकी सीवियरिटी कम होगी, उसका इनोक्युलम पोटेंशियल जो होगा वो कम हो जाएगा, ताकि डिजीज इंसिडेंस या डिजीज डेवलपमेंट जो होगा वो रिड्यूस होगा। मैनेजमेंट विथ केमिकल्स, हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जो बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ होस्ट जीन, हमारे पास कुछ ऐसी मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम जेनेटिकल मैनिपुलेट करके रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। और फाइनली फिजिकल या केमिकल मेथड से हम डिजीज होने के बाद भी इंडिविजुअल प्लांट को क्योर कर सकते हैं, उसको डिजीज से, फर्दर स्प्रेड से, या डिजीज से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, जो कहलाएगी मैनेजमेंट विथ थेरेपी। इस पूरे लेक्चर को हम इस चित्र द्वारा फिर से एक बार समझते हैं। डिजीज मैनेजमेंट हमारा एम था, हमको क्या करना था, डिजीज के बारे में जानकर उसको प्रॉपरली मैनेज करना था। उस डिजीज मैनेजमेंट को हम दो मेजर हिस्सों में बांटेंगे। ये मेजर हिस्सा क्या कहलाएगा, एपिडर्मियोलॉजिकल कंसेप्ट। उसमें क्या किया हमने, डिक्रीज इनिशियल इनोक्युलम या डिक्रीज रेट और ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन। हमने इनोक्युलम को सीधा सीधा कम कर दिया, या इनोक्युलम के पोटेंशियल को, उसके रेट को, उसके पैथोजन के होस्ट से कॉन्टैक्ट के ड्यूरेशन को कम किया। तो इन दो मेथड से जब हम कम करेंगे तो ये कंसेप्ट होगा एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट। फिर इनिशियली हम जब इनोक्युलम को रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस करने के बाद हमको पैथोजन और होस्ट लेवल पर दो काम होंगे, और वैसे ही डिजीज के रेट को हम कम कर रहे हैं तो होस्ट और एनवायरमेंटल लेवल पर। ये 3 चीज़ें हमें मालूम थी, डिजीज ट्रायंगल के एजेंट्स हैं ये, पैथोजन, होस्ट और एनवायरमेंट। तो इन दोनों चीज़ों में जो डिजीज के इनोक्युलम को हमको डिक्रीज करना है वो पैथोजन और होस्ट के बीच होगा, और डिजीज के रेट और ड्यूरेशन को कम करना होगा वो होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच होगा। अब हमारे पास 6 मेथड्स थे जिनको कि हम 6
प्रिंसिपल्स के रूप में जाना, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, जो कि पैथोजन लेवल पर होगा, पैथोजन को हम एक्सक्लूड करें या पैथोजन को हम टोटली इरेडिकेट करें। होस्ट लेवल पे होगी थेरापी या होस्ट का रेजिस्टेंस, होस्ट को हम ट्रीट करें या होस्ट को हम रेजिस्टेंस के लिए जेनेटिकली तैयार करें। एनवायरमेंटल लेवल पर होगा प्रोटेक्शन और अवॉइडेंस, हम किसको करें, होस्ट को प्रोटेक्ट करें या पैथोजन को अवॉइड करें। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस इस तरह की मैनेज करें कि होस्ट प्रोटेक्टेड रहे या पैथोजन और होस्ट के बीच इंटरैक्शन जो है वो अवॉइड हो। तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। डिजीज साइकिल लेवल पर भी हम इस चीज को समझ सकते हैं, एक्सक्लूड यदि होगा पैथोजन तो फर्दर डिस्पर्सल रुकेगी, इराडिकेट यदि होगा तो उसके सर्वाइवल को पे क्वेश्चन मार्क होगा, वो सर्वाइवल कम हो जाएगा उसका। होस्ट की यदि हमने थेरापी की है तो डिजीज का स्प्रेड कम हो जाएगा, होस्ट यदि इनिशियली रेजिस्टेंस है तो इन्फेक्शन नहीं लेगा। एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है तो पैथोजन जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और पैथोजन को यदि हमने अवॉइड करके रखा है तो इनोकुलेशन और पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये क्रिया नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं हम ले रहे हैं डिजीज ट्राइंगल, हमने शुरू में देखा था डिजीज साइकिल कैसी हैं, डिजीज साइकिल में जो लूप्स हैं हमारे पास उन उन जगहों पर हम एक्सक्लूड करें तो हम फर्दर डिस्पर्सल को रोके, इरेडिकेट करें तो पैथोजन की सर्वाइवल पर रोके, हम थेरेपी करें तो डिजीज डेवलपमेंट ना हो, हम रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करें तो इनिशियली इन्फेक्शन ही ना हो, हम प्रोटेक्ट करके रखें तो पैथोजन जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, हम अवॉइड करके रखें तो इनोकुलेशन या पेनिट्रेशन ही नहीं होगा। अब कंट्रोल टैक्टिक के रूप में यदि हम देखें तो हमारे पास फिर कुछ उपाय है। डिस्पर्सल कैसे हम रोक सकते हैं, क्वारंटाइन से, जो नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे क्वारंटाइन रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करें, और ताकि एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्टेड प्रोपोक्यूल्स का जाना रोक सकें। सीड सर्टिफिकेशन या प्लांट प्रोपोग्यूल्स का सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड सीड का हम उपयोग करें हमेशा, तो हम फर्दर डिस्पर्सल या इनिशिएशन ऑफ डिसीज रोक सकते हैं, और पैथोजन फ्री स्टॉक हम यूज करें। पैथोजन के सर्वाइवल को हमने रोका है क्रॉप रोटेशन से, फील्ड पाश्चराइजेशन से, फील्ड फ्यूमिगेशन से, रगिंग से, यूज ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स, फील्ड बर्निंग और फ्लेमिंग, कचरे को, पुराने खरपतवार को, और जो फील्ड्स में जो अनवांटेड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें कि पैथोजन और सर्वाइव हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट, कोलेटरल होस्ट के रूप में उनको यूज कर सकता है, उनको वहां से हम पूरी तरह से बर्न कर दें या उनको जला दें। थेरापी लेवल पर हमने डिजीज को रोका था, वो थेरापी लेवल हो सकती है हीट ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, प्रूनिंग या सर्जरी, पौधों को उन ब्रांचेस को हटा देना जिसमें कि डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पर हमने इन्फेक्शन को रोका था, तो हम कुछ इस तरह की स्पीशीज हम ले जो कि रेयर स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप की है या जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और उसमें कुछ इस तरह के इंड्यूस न्यूट्रिएंट्स हों जो कि उसमें पैथोजन की एंट्री को रोक सके या पैथोजन में बैरियर्स पैदा, होस्ट में बैरियर्स उत्पन्न कर सके और उसको, होस्ट को रेजिस्टेंट बना दे। प्रोटेक्शन लेवल पर जो हमने काम किया था जिससे कि पैथोजन का होस्ट के अंदर पेनिट्रेशन रुक गया था, उस पेनिट्रेशन रोकने के लिए हमने कुछ केमिकल एजेंट्स, कुछ कवरिंग, कुछ स्प्रे, कुछ डस्ट यूज किए थे जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज किए थे जिसके कारण नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस के कारण पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुकती है, फर्दर पेनिट्रेशन रुकता है और प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। डिजीज फोरकास्टिंग भी यहाँ पर कुछ हद तक प्रोटेक्शन में काम आता है कि यदि रोग के होने की संभावना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस इस तरह की है कि रोग हो सकता है, तो उन फोरकास्टिंग का यूज करके उस समय हम कुछ केमिकल एजेंट्स को बचाव के रूप में पहले से उपयोग में लाकर प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिजीज टोटली मैनेज हो जाएगी। अवॉइडेंस के लिए हमने इनोकुलम और उसके पेनिट्रेशन को और होस्ट को, कॉन्टैक्ट को रोका था, होस्ट और पैथोजन के कॉन्टैक्ट को रोका था, उसके लिए हम हर उपज की, हर क्रॉप की, हर पौधे की प्लांटिंग डेट जो है वो चेंज करें, सीड को कितने डेप्थ पर बोना है उसको ध्यान दें, सीड किस जगह पर बोया जाना है, किस ज्योग्राफिकल एरिया में बोया जाना है उस पर ध्यान दें, किस तरह के इरिगेशन का शेड्यूल रहेगा, वाटरिंग कब की जाएगी, कब हम ड्राई कंडीशंस मेंटेन करेंगे ताकि डिजीज जो है वो अवॉइड हो,
अर्ली वेराइटीज़ या लेट वेराइटीज़ को हम लगाएं, जिससे कि हार्वेस्टिंग डेट जो है वो बदल जाए, अलग हो जाए। इरिगेशन हम किस तरह से रखें, लीफ वेटनेस और कैनोपी डेंसिटी, प्लांट डेंसिटी को हम इस तरह से मेंटेन करें कि पैथोजन और होस्ट का कांटेक्ट ना हो सके, डिजीज़ जो है वो अवॉइड होगी। तो ये पूरी बातें हमारी प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट की हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो है वो हमारे काबिल वैज्ञानिकों ने डेवलप करी है और हमारे जो किसान हैं उनको उपयोग में लाते हैं, और इस तरह से हमारे कृषि क्षेत्र में जहाँ पर उपज में डिजीज होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनसे बचते हैं। धन्यवाद।